कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम बयान वाले केस में सूरत सेशंस कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुना दी है। राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया गया है। बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली में बयान दिया था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस बयान के खिलाफ सूरत कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज किया गया था। चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल पर मानहानि का दावा ठोका था। कोर्ट ने सभी दलीलें सुनने के बाद 17 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने राहुल गांधी को इस मामले में 2 साल की सजा सुना दी है। हालांकि कोर्ट ने सजा पर 30 दिन की रोक लगाते हुए उन्हें तुरंत जमानत भी दे दी, इसलिए राहुल गांधी इस मामले में जेल नहीं जाएंगे। कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए महात्मा गांधी का एक कथन लिखा है, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन, महात्मा गांधी। राहुल गांधी ने कर्नाटक में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसके बाद बीजेपी विधायक ने मानहानि का केस करते हुए आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। उनके इस बयान से हमारी और हमारे समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। अब अदालत ने इस दलील को सही माना है और राहुल गांधी को इस मामले में सजा सुना दी है। हालांकि राहुल गांधी इस मामले में कोर्ट में पेश भी हुए थे और उन्होंने अपनी सफाई में कहा था, मैं राजकीय नेता हूं, इस नाते से भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए मैंने यह बयान दिया था, मैंने जो कहा था वह मेरा फर्ज था, मैंने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है, मेरा इरादा कभी गलत या किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था, हमें दया नहीं चाहिए। इसके बाद राहुल गांधी ने अपने बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया था। राहुल गांधी ने पिछली सुनवाई में कोर्ट में कहा था कि वो खुद पर लगे आरोपों से इनकार करते हैं, उन्होंने चुनावी रैली में ऐसा कहा था ये उन्हें याद नहीं है। इस मामले में राहुल गांधी के साथ साथ कोर्ट ने 2 और गवाह, कर्नाटक के कोलार के तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी और भाषण रिकॉर्ड करने वाले निर्वाचन आयोग के वीडियो रिकॉर्डर के बयान दर्ज किए हैं, जिसके बाद राहुल गांधी से पूछताछ भी की गई थी। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद 2 मिनट के भीतर ही राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी। हालांकि कोर्ट ने सजा पर 30 दिन की रोक लगाते हुए उन्हें तुरंत जमानत भी दे दी। बता दें कि सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया है। टाइम्स नाउ, नवभारत, डिजिटल की रिपोर्ट।